आज 6 साल का लंबा दौर बीत चुका है और इन बीते सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। मोरना गांव में एक कमरे से शुरू हुआ ओम फाउंडेशन का ये कारवां आज होशियारपुर तक का सफर तय कर चुका है, जहां आज 2 मंजिला इमारत में संस्था के 300 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और इस कारवां में शामिल ये बच्चे आज समाज में बदलाव लाने की दस्तक दे रहे हैं। और इसकी आवाज इन बच्चों के मां बाप को भी सुनाई दे रही है। हमारा मोटो रहा है, ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम क्वालिटी पे ध्यान दें, क्वांटिटी पे नहीं। जिस हिसाब से हम पैसे बच्चों पे खर्च करते हैं, हम इसी बजट में हम करीब 3/3 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने कभी भी नहीं ऐसे सोचा। पढ़ाए हुए बच्चे देश के भविष्य के डॉक्टर, इंजीनियर्स, पॉलिटिशियंस बनेंगे, जो हमारे देश का नाम ऊंचा करेंगे। तब ये बताएंगे कि इन्होंने यहाँ पे ओम मेमोरियल पब्लिक स्कूल से क्या शिक्षा पाई थी। इन बच्चों के साथ इन्वॉल्व होके मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन सफल हो गया, और इनको पढ़ा के, इनको इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को पढ़ाने में मुझे बहुत प्राउड फील होता है, एंड इट्स रियली ग्रेट सेटिस्फैक्शन फॉर मी। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, हम लोगों को कभी भी ये फील नहीं हो रहा कि अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, ये स्लम से बच्चे आए हुए बच्चे, वो हम लोगों को कभी फीलिंग नहीं आती। हम अपने गोदियों में बिठा के इनको खिलाते भी है, पढ़ाते भी है। इन बच्चों के बीच में इन्हें कुछ दे के लगता है कि वाकई जीवन में जो पाया था वो मैं किसी को दे रही हूं। यूं तो निकले हम थे अकेले, लेकिन कारवां ऐसा बन गया कि बहुत सारे लोग जुड़ गए इस संस्था में। आज हमारे साथ काफी सारे कॉर्पोरेट्स जुड़ गए, हमारे साथ काफी सारे एनजीओस जुड़े हुए हैं, काफी सारे इंडिविजुअल्स जुड़े हुए हैं, जो हर लिहाज में कुछ ना कुछ योगदान दे रहे हैं संस्था को। पर्सनली अगर आप मेरे से पूछे तो मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है यहाँ स्कूल में आके। मुझे ये प्रोजेक्ट करने से पहले पर्सनल लेवल पे मुझे कभी भी नहीं पता था कि इतनी अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती है अगर आप कुछ समाज के लिए करेंगे। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, आपको वो फीलिंग होगी नहीं। और यही मुझे, मैं आप सब, आपके टेलीविजन चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि आइए एक हाथ तो बढ़ाइए। मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत ज्यादा खुशियां मिलेंगी। संजय द्राबू की इस अपील और ओम फाउंडेशन के सभी टीचर और कर्मचारियों को हमारा सलाम।